दिल्ली अबकारी नीति मामले में उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के एक दिन बाद बुधवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आए और कहा कि यह जश्न मनाने का नहीं बल्कि संघर्ष का समय है। सिंह का अभिवादन करने के लिए जेल के बाहर पार्टी के अनेक कार्यकर्ता जमा हुए थे। जेल से बाहर आने के बाद सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मुलाकात की। इसके बाद वह आपके मुख्यालय पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। सिंह ने आरोप लगाया कि देश में बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा है। हम सभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को जवाब देने का समय आ गया है। उसने देश भर के सभी भ्रष्टाचारियों को अपने पाले में कर लिया है। आप सांसद ने कहा कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली की 2 करोड़ आबादी के लिए काम करते रहेंगे। जेल के बाहर एकत्रित आपके समर्थकों ने देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया और संजय सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। आप कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बीच राज्यसभा सदस्य को फूलमाला पहनाई गई। कार्यकर्ताओं ने उन पर गुलाब के फूल भी बरसाए। सिंह की रिहाई के मद्देनजर जेल के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात थे। उन्होंने एक वाहन पर चढ़कर समर्थकों का अभिवादन किया। आप नेता ने कहा कि आज संघर्ष का समय है, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। जेल में बंद हमारे सभी नेता जल्द बाहर आएंगे, यह जश्न मनाने का नहीं बल्कि संघर्ष का समय है। जेल के ताले टूटेंगे, हमारे नेता छूटेंगे। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज और आपके विधायक दुर्गेश पाठक जेल के बाहर मौजूद थे। भारद्वाज ने कहा कि पार्टी संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने बताया कि संजय सिंह ने कहा कि यह समय जश्न का नहीं बल्कि संघर्ष का है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन समेत पार्टी के नेता अभी भी जेल में हैं। हमारे 3 नेता जेल में हैं, इसलिए पार्टी संघर्ष करती रहेगी।